आज क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आज आया हूं। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, बाल गोविंद भगत ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कहते हैं कि गागर में सागर भर देना, कुछ शब्दों में इतना अधिक कह देना कि उसकी महत्ता पूरी प्रकट हो जाए। वो बाल गोविंद भगत के बारे में राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा जो भी लिखा गया है वो अपने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहां बच्चों देखते हैं पॉइंट वन यहां हमने डाल दिया। इसमें है लेखक परिचय। जब आप पाठ शुरू करते हैं तो इसमें देखते हैं कि यह सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उस लेखक के बारे में लिखा जाए, उस रचयिता के बारे में लिखा जाए, उस कवि के बारे में लिखा जाए जिसने उस रचना को अंजाम तक पहुंचाया है और अपने शब्दों एवं भाषा शैली के द्वारा हमारे हृदय के भावों को छुआ है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। इस ये गद्य का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आपको नेताजी का चश्मा और नंबर 2 लेसन है ये बाल गोविंद भगत। तो यहां देखिए लेखक परिचय। रामवृक्ष वेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े और जेल भी गई। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। रचनाएं पतितों के देश में ये उपन्यास है इनका, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृत्तांत है और जंजीरें और दीवाने ये संस्मरण है। तो बच्चों देखिए, एक लेखक जिसने 15 वर्ष की अवस्था में ही इतनी रचनाएं अर्थात पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, 15 वर्ष की अवस्था में, आप ताज्जुब करेंगे कि कितने महान थे वो लोग जिन्होंने अपने गर्भ से ही, माता के गर्भ से ही इतने संस्कार प्राप्त कर लिए थे। कि ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे ग्रंथों में मिलते हैं कि जैसे कि अभिमन्यु ने अपने माता की गर्भ से ही हैं और चक्रव्यूह के द्वारों को तोड़ना सीख लिया था। चक्रव्यूह की रचना बड़ी कठिन थी और उसके कुशल नीतिकार कौन थे? आचार्य द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। लेकिन अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को वह कहानी रात को सुनाई तो उन्होंने जो है वो कहानी सुनी और उसी का परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु का नाम आज संसार में बड़ी ही अद्भुत क्षमता के रूप में जाना जाता है। अब यहां देखते हैं पाठ परिचय। देखिए आप देखते रहिए, पाठ परिचय है नंबर 2 पॉइंट। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से, बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखाचित्र विधा का नाम है। तो इन्होंने बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र किया है कि माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के चरित्र का चित्रण किया है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इस रेखाचित्र के द्वारा ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो चलते हैं आगे, इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं।
आप देखते रहेंगे। तो देखिए यहां है पात्र परिचय। पात्र परिचय में बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं देखिए। नंबर वन, संयमी सच्चे साधक और साधु की समस्त विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व, प्रभु भक्ति में अगाध श्रद्धा, शुद्ध एवं सच्चा व्यवहार, कभी झूठ न बोलना। नंबर टू। नंबर थ्री है सशक्त गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति क्षमता। और नंबर फोर है सामाजिक रीति रिवाजों तथा मान्यताओं को तोड़ने तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता। और नेक्स्ट नंबर है मोह माया से मुक्त। और नेक्स्ट नंबर है अपूर्व आत्मविश्वास तथा परिश्रमी, गृहस्थ और साधु का अद्भुत समन्वय, इच्छा के अनुरूप अंत। तो बच्चों, ये हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला लेखक के माध्यम से, कि जो कि अपने में एक अद्भुत व्यक्तित्व है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि हम सभी उन पूर्ण आचरणों को, उन महान भावों के पूर्ण आचरणों को नहीं ले सकते, लेकिन उनसे कुछ तो ले लें। हैं, हम कहते हैं महात्मा गांधी, तो आपसे हम ये थोड़ी कहते हैं कि महात्मा गांधी ही बन जाइए। हैं ना, हम बन सकते, लेकिन उनके कुछ आदर्शों को हम ले सकते हैं। सभी चाहते हैं कि हम मोदी बन जाए, तो मोदी तो नहीं बन सकते, लेकिन मोदी जी के कुछ आदर्श को हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। तो चलते हैं आज बाल गोविंद भगत कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, वो किस से प्रभावित थे, और आज इस युवा पीढ़ी को ऐसे ही महान पुरुषों के व्यक्तित्व की जरूरत है अपने को सुधारने के लिए और इस जगत में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए, ताकि आपकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे और इस देश की भी प्रतिष्ठा बनी रहे। बाल गोविंद भगत जैसे सच्चे देशभक्त, शांत प्रिय व्यक्ति, साधु व्यक्ति, सच्चे गृहस्थी, समाज सुधारक हैं, ऐसे ही होते रहें, तभी यह देश धन्य होगा। तो चलते हैं पाठ का सार। ये है हमारा नंबर थ्री पॉइंट, और थ्री पे छोटा वन लिख दीजिए। यहां देखिए बाल गोविंद भगत, वेशभूषा और व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत मझला कद, गोरा रंग, उम्र 60 साल से ऊपर, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं, पर चेहरा सफेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता, जो नाक के किनारे से शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। लेखक को उनकी पत्नी की याद नहीं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी का काम था और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उनमें साधुओं की सभी विशेषताएं थीं। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों, देखिए यहां पेज नंबर टू पे आ गए हम, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदर्शों आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, शुद्ध सच्चा व्यवहार करते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर दो टूक बात करने में भी संकोच नहीं करते थे, किसी की चीजों को हाथ न लगाते थे और बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था, पर कभी भी दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीजें साहब कबीरदास की थी। खेत में जो भी पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते, और जो प्रसाद रूप में हिस्सा मिलता उसी से घर गृहस्थी का गुजर बसर करते थे। तो बच्चों देखिए
कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे,